त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच पुलिस को अवैध हथियार निर्माण और खरीद परोक्त मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने बताया कि भिकनगांव पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कोतवाली क्षेत्र के गोयल पेट्रोल पंप के समीप एक संदिग्ध को पकड़ा है। पूछताछ में अपना नाम शिवम, पिता राजेश प्यासी, जाति ब्राह्मण, उम्र 25 साल, निवासी भगत सिंह वार्ड सागर थाना मोतीनगर जिला सागर बताया। उसके हाथ में रखे काले बैग को चेक किया। बैग में रखे 6 देसी हस्त निर्मित पिस्टल एवं 2 कट्टे देसी हस्त निर्मित मिलने पर जब्त कर शिवम से पूछताछ कर उक्त पिस्टल कट्टे उसने सिगनोर के उत्तम सिंह सिकलीगर ग्राम सिगनोर से खरीद कर लाना बताने पर ग्राम सिगनोर में दबिश दी गई, जो आरोपी उत्तम पिता रतन सिंह सिकलीगर उम्र 58 वर्ष निवासी सिगनूर अपने घर के पीछे हथियार बनाते मिला। इसके पास से एक पिस्टल देसी हस्त निर्मित और एक देसी कट्टा, एक आधी बनी हुई पिस्टल का ढांचा तथा हथियार बनाने के औजार विधिवत जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में टीआई को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली थी एक आरक्षक के माध्यम से कि एक बाहरी व्यक्ति जो सागर का है शिवम, वो खड़ा है, कुछ उसके पास अवैध हथियार होने की सूचना है। उस आधार पे उसको जब पकड़ा गया तो उसके पास एक कट्टे बरामद हुए और उसके पूछताछ के जो सिगनूर के एक उत्तम सिंह नामक व्यक्ति से कट्टा खरीदना बताया। वो तत्कालीन पुलिस द्वारा वहाँ दबिश जब दी गई तो एक पूरा अवैध हथियार बनाने का फैक्ट्री पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें अभी तक हमने 7 पिस्टल और 3 कट्टे और कुछ हथबने पिस्टल हैं और हथियार बनाने की सामग्री पुलिस ने जब्त किया है। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और सागर का जो लड़का यहाँ पे गिरफ्तार हुआ उसे कुछ मारपीट के भी अपराध सागर है। सागर पुलिस से हम संपर्क में और भी नेटवर्क इस संबंध में पूछताछ भी कर रहे हैं और सागर से भी हम जानकारी ले रहे हैं कि वहाँ पे इस क्या रिकॉर्ड है या किस प्रकार के साथ में होता है। सर, जैसे जिला पंचायत और जनपद पंचायत में चुनाव आ रहे हैं उसमें कहीं इसका यूज तो नहीं होना था, इससे रिलेटेड मिला पुलिस नहीं? चुनाव से डायरेक्टली कोई रिलेशन तो सामने नहीं आया, परंतु हम इस संबंधित पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।